दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा है वैसे, बहुत सारी बातें, मगर जो अंदर होना है बाकी सारे एटमॉस्फेयर को सारी बातें भूल के सिर्फ कॉन्सेंट्रेट अंदर क्या होना है, क्या बात करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। थैंक्स सर। आप यहाँ पहले भी आए? यस पिछले सर। यस सर, आप ही के सामने हुआ था GDB और इंटरव्यू भी। अब मैं पहचान गया आपको। सर आपको लड़ने का शौक है? गलतियाँ हो गई थी पहले, तो उसी को पॉइंट आउट और क्लियर अप करने के लिए इस एक साल का टाइम मैंने लिया। अंकित, अगले एक मिनट के लिए बंदर बन जाओ। अंकित, ग्रेट, सिट। दैट्स गॉट टू बी द वर्स्ट मंकी आई हैव एवर सीन। अंकित, आप में गट्स हैं? सर जितने मैं जानता हूँ मेरे अंदर हैं उतने। तुम हमसे बात करते हो आंखों में आंखें क्यों नहीं डालते? हर जगह देखते हो आप, नीचे देखते हो, ऊपर देखते हो, लेकिन आंखों में आंख नहीं डालते। सर एक्चुअली आप देखो, मैं आप मेरे ये देखो आइडियल हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो नजर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, मगर एक मेरी आंखों में जो आपकी इज्जत है। मुझे तो नहीं लगता कि इज्जत है, मुझे लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है मुझे, और आप आंखों से आंख नहीं मिलाते क्योंकि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते कि आप क्या बोल बैठेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप शर्माते बहुत हैं। आप छठे फ्लोर से कूदे? यस सर। क्यों? सर पीछे बंदर आ गया था। तो मतलब हिम्मत की वजह से नहीं कूदे, डर के मारे कूदे आप, है ना? सर हिम्मत तभी तो जागी जब डर आया। इसमें हिम्मत की क्या बात है यार, छठे फ्लोर से कूदने में? तुम्हारी इतनी फटी कि तुम कूद गए, तुम्हें उस टाइम कोई ऑप्शन दिखा नहीं, तुम्हें ये नहीं लगा कि पीछे मुड़ के उसका सामना करूं, उसे डराऊं? नहीं सर, एक होते तो करता ना। मैंने कहा एक बंदर के सामने खड़े होने से हाथ पांव तोड़वाना बेटर है। एक होते तो करता ना। हम तीनों एक ही चीज सोच रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। सर फिर आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है इसमें, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस सर। अंकित मोहन को गुस्सा क्यों आता है? सर अंकित मोहन में गुस्सा बहुत कम आता है, उसका नेचर इस तरीके का है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है। सर अंकित तुम परफॉर्मेंस छोड़ दो यार प्लीज। ऑल कमिंग थ्रू इज अ परफॉर्मेंस। आई डोंट वी डोंट सर, आप जो पूछ रहे हो उसकी बात का तो जवाब दे रहा हूं। हां दे रहे हो, मगर किस अंदाज से दे रहे हो? दोस्तों के साथ तुम क्या ऐसे बात करते हो? तुम उन्हें बातें ऐसे समझाते हो, चलो आज एक पिक्चर देखने चले? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ये ओरिजिनल जैसे तो ऐसे बोलते ना, ऐसे बात कर, नेचुरल रहे ना। प्रॉब्लम क्या है? पूछो क्या पूछना है। तेरे को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा कोई आने वाली बात थोड़ी है यार। तेरे को हंसी क्यों आता है? हंसी खून बढ़ाने के लिए। यू आर परफॉर्मिंग अगेन। सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेलेक्ट करें, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आप मुझे सेलेक्ट। क्योंकि तुम ऐसे हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर मैं परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस चाहता हूँ, मुझे देखे। सिट डाउन नाउ। फिर एक्टिंग कर रहा हूँ सर, प्लीज सिट डाउन नाउ। थैंक्स। यू लैक कॉन्फिडेंस, यू लैक एटीट्यूड, यू आर अ चाइल्ड, यू आर एन एक्टर, यू प्रिटेंड टू बी इमोशनल, यू आर नॉट रियली इमोशनल। सब गलतफहमी है, सब गलत। तुम्हारे शॉप में तुम इस तरह नहीं हो। इंसान कोई माँ के पेट से सीख कर आता है क्या? ये चलो कौन सी डायलॉग है फिर बता यार, कहाँ से सीखा तूने? अरे इंसान देख के सीखता है। तूने अरे देख के सीखता है टीवी में। मैं अगर स्टाइल से हाथ आओगे बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि आप एक्टिंग कर रहा है। ये एक्टिंग क्या होती है? कोई इंसान अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाथ बांध दो मेरे पीछे, रस्सी से आ जाओ, हाथ बांध के बात करो, पट्टी लगा दो मुंह पे, आंखें बंद कर दो मेरी। चेहरा दिया है तो हिलेगा, लिप्स दिए तो बोलेंगे। तेरे को तो सास बहू के सीरियल में पक्का रोल मिलेगा। एज द बहू, नाइस चेस्ट यू हैव। आई एम डन बट आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। तू ऐसा कर, जवाब उल्टा दिन। जितना टाइम तेरे को बिताना है इसके साथ तू बिता ले। नहीं नहीं आई एम डन, मैं निकल रहा हूं यार। आई कांट हैंडल इट एनीमोर। अंकित आप वेट करो, बाद हम आपको रिजल्ट बताएंगे। ऑल द बेस्ट। सर मैं बहुत सोच कर आया था, प्लीज। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आपको नाराज करूंगा। थोड़ा सा निखिल जी का एटीट्यूड मतलब कि बीच में से खड़े होकर चले जाना क्या उससे? क्या यार किसी को तुम सेलेक्ट कर रहे हो, जबकि वो उसमें बैठे हो तो किसी को सिंपैथी दो, किसी को कुछ बोलो कि हाँ तू ये कर तू वो कर। ये थोड़ी होता कि बीच में उठ के चले जाना।